सभी भाई को राम राम भाई। जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया है अभी, कल तक इंतजार करिए, आ जाएगा। धीरे धीरे लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा है, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फ़ोन नंबर एक टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिया है, उसमें जाके देख लो, अगर नहीं आ रहा तो उस पर कॉल करके पूछ भी सकते हो। बाकी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मॉक को वहाँ पे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड में पढ़ लेना कि एडमिट कार्ड में लेके क्या क्या जाना है। एडमिट कार्ड होगा, एक फ़ोटो होगा, एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, इतना कुछ लेके जाओगे, और कुछ लेके नहीं जाना है। हल्के कपड़े में जाना, ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहनना, फ्री कपड़े पहनना जिसमें एयर पास हो सके। रात में अच्छे से सो लेना, सुबह आराम से उठ के जाना, सुबह हल्का फुल्का कुछ खा लेना, खाने के बाद अंदर जाओ, अंदर एग्ज़ाम हॉल में जाते ही एंट्री कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल पे आधे घंटे पहले पहुंच के जैसे एंट्री स्टार्ट होगा एंट्री कर लेना। एंट्री करने के बाद जाके अपनी सीट पे बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक करा के चुपचाप जाके बैठ जाना, हेड डाउन करके सो जाना, देख लेना कितने टाइम बचा हुआ एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले उठना, उठ के पहले जाना वॉशरूम जाना, फेस वॉश कर लेना, हल्का सा मुंह धुल लेना, हाथ मुंह धुल लेना, इधर उधर हाथ पैर थोड़ा सा तोड़ लेना, फिर वापस आके अपने सीट पर बैठना है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा है तुम्हें करना क्या है, जैसे मैं करता था। सबसे पहले तुम्हारे अपने दिमाग में ढेर सारा गुस्सा ले आना है, बिल्कुल कर दूंगा, कुछ भी हो जाए कर दूंगा, पेपर को कैसा भी पेपर आए एकदम टोटल, मतलब यही है एम की बॉडी का एड्रेनलिन जो है बिल्कुल हाई हो जाना चाहिए, दिमाग में ऑक्सीजन एकदम तेज़ी से दौड़ना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ जाना चाहिए। इस हिसाब से अपने अंदर गुस्सा भर लेना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ जाना कि कर देंगे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, माउस होगा, माउस चेक कर लेना, वहाँ पे कीपैड चेक कर लेना काम कर रहा है कि नहीं। पेन और एक बड़ा सा पेपर मिलेगा, पेपर को दो फोल्ड कर लेना, बड़ा पेपर तुम संभाल नहीं पाओगे, पेपर को दो फोल्ड कर लेना ताकि उस पर इधर उधर करके लिख सको, परेशानी ना हो। पेन को हाथ से छोड़ना मत, पेन इसमें फंसा के रखना और एक हाथ से माउस ऐसे पकड़ना, बार बार एक बार माउस पकड़ना एक बार पेन पकड़ना ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास, 100 क्वेश्चन करना है एक घंटे में, तो पेन को हमेशा उंगलियों में फंसा के रखना और माउस उसके बाद पकड़ना, ठीक है, आंसर को क्लिक करने के लिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज़, सबसे पहले पढ़ने वाली चीज़ें करनी है, जैसे जीके हो गया, जीएस हो गया और इंग्लिश हो गया, इन तीनों सेक्शन में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, फटाफट पढ़ना है आंसर करना है, पढ़ना है आंसर करना है, पढ़ना है आंसर करना है, किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। रीजनिंग और मैथ के बारे में बताऊं तो रीजनिंग और मैथ्स जब तुम करोगे तो पहले रीजनिंग करना लास्ट में मैथ्स के लिए रखना। रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी किसी भी क्वेश्चन पर अटकना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के अगर लग रहा है कि तुम कर लोगे तो उस पर ट्राई करना, अगर लग रहा है कि नहीं कर पाओगे, कभी किया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, तुरंत स्किप करके आगे जाना। तुम्हारा सोल एम ये होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन है उन सबको देखना एक बार जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि तुम क्वेश्चन में फंस गए और 50वें क्वेश्चन पर टाइम खत्म हो गया, 1 से लेकर 100 तक का सारा क्वेश्चन देखना जरूरी है। सबसे पहले तुम्हें जो आ रहा हो उन सवाल को कर देना है, जो नहीं आ रहा होगा उसको तुम मार्क करके वापस आ सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो आ रहा हो वो छूटना नहीं चाहिए। जो सवाल में क्वेश्चन में जो तुमको आ रहा है उसको पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक पहुंचना है फटाफट स्किप कर करके, अगर नहीं आ रहा है तो स्किप करो, नहीं आ रहा तो स्किप करो बार बार, एक ही क्वेश्चन सारे देखने जरूरी हैं। जो सवाल आएगा बस उसको करना है, बाद में वापस आके एक बार ट्राई कर लेना, नहीं आता है तो अगर 50% लगता है कि हाँ ये दोनों में से कोई एक हो सकता है तब तुक्का लगा देना, नहीं तो तुक्का मत लगाना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। इस तरीके से पेपर को कंप्लीट देखना है 1 से लेकर 100 तक, ज़बरदस्ती नहीं मारना है और पैनिक नहीं करना है कि नहीं हो पा रहा, बस करते जाना है 1 से लेकर 100 तक, स्किप करते करते करना, जो आएगा सबसे पहले उसको कंप्लीट करना है। अब बहुत सारे डाउट ये पूछ रहे थे कि स्टेट वाइज कट ऑफ आएगी कि कैसे कट ऑफ आएगी, तो सारी कट ऑफ स्टेट वाइज आएगी, क्योंकि जो भी स्टेट में तुमने फॉर्म भरा उसका डोमिसाइल तुमको चाहिए, तो स्टेट वाइज ही कट ऑफ आएगी। कट ऑफ जो प्री के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 35 नंबर है, जो अगर 35 नंबर ले आते हो प्री में तो तुम टायर 2 दे सकते हो, उससे 35 नंबर से सिलेक्शन होना नहीं है, बस तुम टायर 2 देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और कुछ नहीं उसका मतलब। अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 70+ स्कोर चाहिए, 65+ स्कोर तो चाहिए ही चाहिए, तो उस हिसाब से पेपर करना, परेशान मत होना और अच्छा करोगे। जय हिंद।